फर्स्ट के लिए अगर निकालेंगे तो 13.6 इंटू 2 हो जाएगी, सेकंड करना करना तो 13. इसके लिए हीलियम एटम के लिए हमेशा ही क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ही होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बार एक निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे तो क्या होगी, इसमें 2 बार आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।